नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स को लेके, जहां पे IAF ने DRDO के साथ मिलके ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को दोबारा टेस्ट किया है। और इस टेस्ट में कुछ जो नए मॉड्यूल है वो इंक्लूड किए गए थे। टेस्ट कंडक्ट किया गया सुबह 10:30 AM पे उड़ीसा के ITR से। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के बाद जो सीरियल प्रोडक्शन है ब्रह्मोस ए का वो तय कर दिया गया है। जहाँ पे 230 MKI पे ब्रह्मोस के डिप्लॉयमेंट की बात है, तो ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड MKI IAF के थंजावुर बेस से ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जहाँ पे वो एक वाइटर एरिया को डिफेंड कर रहा है। स्पेशली जो भी आपके कोस्टल एरिया है, जैसे कि आपको मैप में दिख रहा है, तो वहाँ पे उसको डिफेंड कर रहा है। और जो दूसरे 230 MKI है वो ऑपरेशनल है पंजाब के हलवारा में, तो वहाँ से कहीं की जो LOC का एरिया है वो कवर करता है, और कहीं की जो रीच है वो LOC तक जा रही है। तो एक बार जो सीरियल प्रोडक्शन है वो होने लगते हैं, तो ज्यादातर जो आपके MKI हैं वो ब्रह्मोस को कैरी करने वाले हैं। यहाँ पे रैमजेट इंजन का जो एयर फ्रेम असेंबली है वो इंडिजिनसली भारत द्वारा बनाया जा रहा है। रैमजेट का जो फ्यूल टैंक है वहाँ पे उसके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों पार्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नए एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं एयर फ्रेम के अंतर्गत, उसकी इंटीग्रिटी को आज के टेस्ट में वैलिडेट किया गया है। जो फंक्शनल परफॉर्मेंस रहती है वो कैसे रहती है, अफेक्ट तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें चेक की गई हैं। तो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि आपके ब्रह्मोस ए में जो इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा है वो और भी इम्प्रूव हुई है, जो कि इवेंचुअली आपको सीरियल प्रोडक्शन में दिखेगा। यहीं पे हम बात कर लेते हैं DRDO के लैब LRDE द्वारा बनाए गए उत्तम ईसा रेडार के बारे में। हम सब भी जानते हैं कि जिसका डेवलपमेंट है वो काफी समय से चल रहा था, तो उसकी ज्यादातर जो क्षमता है वो वैलिडेट कर ली गई है। लगभग 300 घंटे की जो फ्लाइट आवर है वो कंप्लीट कर लिया गया है, और IAF ने जो एक अप्रूवल है सेटिस्फेक्शन का वो दे दिया है। तो टेक्निकल यहाँ पर जो आपका उत्तम ईसा है उसकी क्षमता को IAF ऑपरेट करने जा रही है, एक जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो देने जा रही है। तो यहाँ पे LRDE के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उन्होंने मीडिया ग्रुप से बात करते हुए उत्तम ईसा के बारे में कुछ बातें कोट की है, जैसे कि यहाँ पे इंडिजिनस कंटेंट की जो मात्रा है वो 95% के अराउंड है। तो टेक्निकली इतनी इंडिजिनस कंपोनेंट की मात्रा आपको हेल्प करेगी किसी भी तरह के मिसाइल को यहाँ पे इंटीग्रेट करने में, चाहे वो रशियन हो, वेस्टर्न हो, आप जिस चॉइस के मिसाइल चाहते हो वो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जो कंट्रोल है यहाँ पे आपका रहेगा। सो वो जो फैक्टर कुछ कंट्रीज पहले लेके आ रही थी कि अगर यहाँ पे इजरायली कंपोनेंट है तो XYZ मिसाइल नहीं देंगे इंटीग्रेट करने को, तो ऐसी बातें यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती हैं, क्योंकि जो आपका सिस्टम है वो 95% इंडिजिनस है। LRDE के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ये भी कोट किया है कि उत्तम के ये वेरिएंट माउंट होने जा रहे हैं 230 MKI पे, डेवलपमेंट उसका चल रहा है, और जब आपके नेवी के फलक्रम होंगे उन पे भी यही रडार लगने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों एयरक्राफ्ट की जो क्षमता है वो बूस्ट होने जा रही है उत्तम ईसा से। इनिशियली उत्तम को बनाया गया था तेजस के लिए, तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम है वो डिले हुआ, और जो आपके 83 तेजस मार्क 1A में से 16 तेजस मार्क 1A पे इजराइल का जो ELM-2052 ईसा है वो इंटीग्रेट होके आएगा। लेकिन जो बाकी के एयरक्राफ्ट होंगे उनके लिए यही प्लान किया जा रहा है कि स्वदेशी उत्तम को ही इंटीग्रेट किया जाए। और उसके लिए जो एक प्लानिंग है, तकरीबन यहाँ पे 4 वेंडर को देखा गया है, और उनमें से जो BEL है उनने तैयारी शुरू भी कर दी है। यहाँ पे उत्तम ईसा की बात करोगे तो तकरीबन ये 100 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है अप टू 150 किलोमीटर रेंज पे, और तकरीबन 6 टारगेट को ट्रैक कर सकता है साइमल्टेनियस। तो कई मामले में इजरायली 2052 से भी एक स्टेप आगे आप इसे कहोगे। यहाँ पे कुछ फीचर की बात करोगे तो जो ISR है स्पेसी समुद्र में वो हाई रेजोल्यूशन का रहने वाला है। यहाँ पे ग्राउंड टारगेट ट्रैकिंग की भी जो एक्यूरेसी है वो हायर है, और जैमर के सेपरेशन के लिए जो ऑक्सिलरी चैनल है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड है वो 60,000 फीट के अराउंड है। जो ऑपरेशनल टेम्परेचर रहेगा वो -40 से +60 तक जाने वाला है। यहाँ पे कूलिंग के दो मेथड दिए गए हैं, एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग, जो कि आपके रडार की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगा, डिस्टॉर्शंस आपको कम मिलेंगे, और कई ने की जो प्रोसेसिंग है वो इम्प्रूव रहेगी। तो यहाँ पे कुछ एक की हाईलाइट रहने वाले हैं कि उत्तम ईसा आपके 230 MKI और MiG-29K पे जा रहे हैं। पर जो भी रेंज मेंशन की गई है वो वही रेंज है जिसको DRDO चाहता है कि वो पब्लिक डोमेन में आए, अदरवाइज जो एक्चुअल रेंज होगी उसको इससे ऊपर की आप उम्मीद कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।